हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द रिसेंटली रिवाइज्ड एमएसएमई डेफिनेशन अबाउट द किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन फॉर द डेयरी सेक्टर एंड ऑल्सो द रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम स्वनिधि स्कीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द क्वेश्चन नंबर 1 विच इज बेस्ड ऑन द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड रिवाइज्ड एमएसएमई डेफिनेशन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज यूनिट अनाउंस्ड अंडर द आत्मनिर्भर अभियान। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिवाइज्ड डेफिनेशन। सो गाइज, व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द आत्मनिर्भर अभियान, वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर इज अ प्रपोजल टू रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई एंड नाउ दैट प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। बट जो उस समय की डेफिनेशन थी जो कि हमने अनाउंसमेंट के वक्त पढ़ी थी, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है इन द मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट? एंड नाउ जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है दैट इज व्हाट ₹50 crores एंड फॉर टर्नओवर इट इज ₹250 crores। अर्लियर ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट दिस वॉज 20 crore एंड दिस वॉज 100 crores, राइट? ये जो था इन्वेस्टमेंट लिमिट वॉज 20 crore एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट एंड द टर्नओवर लिमिट वॉज 100 crore, बट नाउ एट द टाइम ऑफ अप्रूवल दिस लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 50 crore एंड ₹250 crores। नाउ व्हाई इट हैज बीन डन, व्हाई दिस लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड? सो आफ्टर द पैकेज अनाउंसमेंट ऑन 13th में देयर वर सेवरल रिप्रेजेंटेशंस दैट द अनाउंस्ड रिवीजन इज स्टिल नॉट इन ट्यून विद द मार्केट। जब अनाउंसमेंट की गई थी ऑन द 13th May 2020 ऑफ दिस रिवाइज्ड डेफिनेशन, जिसमें कि ये लिमिट 20 करोड़ और 100 करोड़ की थी, उस समय ये कहा गया, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन आई फ्रॉम द वेरियस सेक्शंस ऑफ द मार्केट कि ये जो रिवाइज्ड डेफिनेशन है ये मार्केट के साथ मेल नहीं खाती एंड द प्राइसिंग कंडीशंस आल्सो एंड इट शुड बी फर्दर रिवाइज्ड अपवर्ड्स। सो दिस रिवीजन हैज बीन डन, इसलिए ये रिवीजन कर दिया गया, जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उनकी लिमिट को बढ़ा के 50 करोड़ और 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये रिवीजन गाइस 14 साल के बाद की गई है सिंस द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट जो कि 2006 में आया था एंड इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड दैट द टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स विल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट्स ऑफ टर्नओवर। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डिसाइड किया गया है कि एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में जो भी टर्नओवर होगा उसको इस टर्नओवर के लिमिट्स में काउंट नहीं किया जाएगा फॉर एनी कैटेगरी ऑफ एमएसएमई यूनिट्स वेदर माइक्रो स्मॉल और मीडियम। ओके, लेट मी रिपीट दिस, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स विल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट्स ऑफ टर्नओवर फॉर एनी कैटेगरी ऑफ एमएसएमई। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज दिस रिवीजन हैज बीन डन आफ्टर 14 इयर्स। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Turnover with respect to exports will not be counted in the limits of turnover. Yes, this is also correct. Investment and turnover limit for medium enterprises is ₹50 crores and ₹250 crores. Yes, this is also correct. And investment and turnover limit for micro enterprise is not ₹10 crore, guys. So this is incorrect. So therefore, our answer will be what? Option B. Only 4 will be the correct answer. Okay. Now let's move on to question number 2 which is about the Kisan Credit Card campaign for the dairy farmers. Okay, so question number 2 is to provide short term credit to dairy farmers for meeting their requirements for working capital, Kisan Credit Card will be provided to the dairy farmers through Kisan Credit Card campaign. Which farmers are eligible to get credit limit up to ₹3 lakh without collateral, yet the general limit for KCC credit without collateral remains 1.6 lakh. Basically क्वेश्चन ये है कि कौन से फार्मर्स एलिजिबल है टू गेट द क्रेडिट लिमिट अप टू ₹3 lakh विदाउट कोलेट्रल। ओके, सो नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस कैंपेन। सो द कैंपेन इज किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन टू हेल्प डेयरी फार्मर्स एंड दिस किसान क्रेडिट कार्ड्स आर टू बी प्रोवाइडेड टू अराउंड 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स, 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को ये किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे एंड दिस कैंपेन इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान and this scheme will also provide additional liquidity of worth ₹5 lakh crore to the farmers who are suffering from COVID-19 economic crisis. Okay, and these kisan credit cards will be provided to dairy farmers belonging to milk unions. केवल उन dairy farmers को ये provide कराया जाएगा जो कि milk union से belong करते हैं and milk producing company within the next 2 months. अगले 2 महीने में सभी dairy farmers को जो कि milk union या फिर milk producing company के साथ जुड़े हुए हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज
has already circulated circulars and KCC application format to all the state milk federation and milk unions for implementing this mission on a mission mode. यानी कि जल्दी से जल्दी दो महीने के अंदर अंदर सभी जरूरतमंद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा दिए जाएंगे. एंड अंडर दिस मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 1.7 करोड़ फार्मर्स आर एसोसिएटेड विद 230 मिल्क यूनियंस इन द कंट्री. ओके, एंड नाउ इम्प्लीमेंटेशन जो होगा इसका फॉर दोज फार्मर्स. ओके, सो हेयर स्पेलिंग इज इनकरेक्ट. फॉर दोज फार्मर्स जिनके पास केसीसी नहीं है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है. सो इन द फर्स्ट फेज ऑफ दिस कैंपेन द टारगेट इज टू कवर ऑल फार्मर्स हु डू नॉट हैव केसीसी एंड हु आर मेंबर्स ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एसोसिएटेड विद डिफरेंट मिल्क यूनियंस. ऑलराइट, सो जो इसका पहला कैंपेन होगा उसमें उन फार्मर्स को केसीसी दिया जाएगा जिनके पास केसीसी नहीं है और जो कि मेंबर है ऑफ द डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मिल्क यूनियंस. एंड फार्मर्स हु ऑलरेडी हैव केसीसी बेस्ड ऑन देयर लैंड ओनरशिप कैन गेट देयर लिमिट एनहेंस्ड एंड इंटरेस्ट सबवेंशन शैल बी अवेलेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3 लाख. जिन फार्मर्स के पास केसीसी ऑलरेडी प्रेजेंट है वो अपने लिमिट को एनहेंस करा सकते हैं और जो इंटरेस्ट सबवेंशन होगी वो केवल ₹3 लाख तक के लिए ही मिलेगी. ऑलराइट, एंड नाउ जो ये इंक्रीज इन लिमिट है, क्रेडिट लिमिट, वो कितनी हो जाएगी? ₹3 लाख तक चली जाएगी. लेकिन जो जनरल लिमिट है वो अभी भी कितनी रहेगी? ₹1.6 लाख. ऑल दो द जनरल लिमिट फॉर केसीसी क्रेडिट विदाउट कोलेक्ट्रल रिमेन्स ₹1.6 लाख, बट इट कैन गो अप टू ₹3 लाख इन केस ऑफ फार्मर्स हुज मिल्क इज डायरेक्टली प्रोक्योर्ड बाय मिल्क यूनियंस falls under tie-up arrangements between the producers and processing units without any intermediaries. Basically, ये जो 3 लाख के लिमिट है ये उन farmers के लिए की जाएगी जिनका milk directly procure किया जाता है by the milk unions without any intermediaries. बिना किसी intermediaries के जिन farmers का milk union द्वारा procure कर लिया जाता है उनकी limit को extend कर दिया जाएगा up to ₹3 लाख. And this will ensure more credit availability for these farmers. Now, what is the significance of launching this इनिशिएटिव? सो गाइज, डेयरी इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ऑफ आर इकोनॉमी जिसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो अबव 6% है इन द लास्ट 5 ईयर्स. ओके, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अबव 6% इन द लास्ट 5 ईयर्स. सो इनको जब हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन प्रोवाइड कराएंगे ताकि इनकी वर्किंग कैपिटल, जिससे कि इनकी वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आएगा, तो ये मार्केटिंग अच्छे से कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर पाएंगे एंड देयरफॉर उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी एनहेंस होगी. एनहेंस हमारा जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट करेगा. राइट, सो डेयरी इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स विद अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6% इन द लास्ट 5 ईयर्स. प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू दीज फार्मर्स फॉर मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल विल बूस्ट देयर प्रोडक्टिविटी ट्रिमेंडसली एंड हेंस इट विल ऑल्सो बूस्ट आर इकोनॉमी. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो व्हाट वॉज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज Which farmers are eligible? Okay, so guys, those farmers are eligible whose milk is directly procured by milk unions without any intermediary. So therefore, the correct answer will be what? Option A. Farmers whose milk is directly procured by milk unions without any intermediaries. Now let's move on to question number 3. So for question number 3 to 5, there is some information. So let us first read out the information. And this information is about the newly launched PM Swanidhi scheme. All right. So the government of India is sensitive towards the problems street vendors have faced in the wake of COVID-19 crisis. In such a time, there is an urgent need to provide affordable credit to them to ensure that their business gets a boost and enabling them to resume work and earn livelihoods. In order to revive businesses of street vendors, a special microcredit facility scheme has been launched in June 2020. So we have to tell the name of the scheme as discussed in the passage. So we all know, guys, the name of the scheme is what? Option E, PM Swanidhi. PM Swanidhi is the name of the scheme. And now let us discuss about the scheme. So PM Swanidhi, or we can say PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi Scheme. Okay, you have to remember the full form, PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi Scheme. And this scheme has been launched by Ministry of Housing and Urban Affairs, headed by Hardeep Singh Puri, and this was announced by Finance Minister during the announcement of Atmanirbhar package. The validity of scheme is until March 2020, and under this scheme, affordable loans of ₹10,000 will be provided to more than 50 lakh street vendors who has their businesses operational on or before 24th March. Aise street vendors jinka business operational tha
24 मार्च या उससे पहले उनको 10,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा और इसमें लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का अनुमान है। इसके लिए जो टेक्निकल पार्टनर है दैट विल बी व्हाट सिडबी, सिडबी इज द टेक्निकल पार्टनर, सिडबी इज हेडक्वार्टर्ड इन लखनऊ हेडेड बाय मोहम्मद मुस्तफा, राइट। एंड दीज लोन्स विल बी रीपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन वन ईयर, एक साल के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इस लोन को वापस करना होगा। एंड ऑन टाइमली रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी। अगर कोई पर्सन, कोई स्ट्रीट वेंडर टाइमली रीपे करता है लोन को तो 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एंड देयर विल नॉट बी एनी पेनल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर है या जो बेनिफिशियरी है वो लोन को समय से पहले भी वापस कर सकता है। एंड इफ एनी वेंडर रीपेज द इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम और अर्लियर ही कैन रेज हिज क्रेडिट स्कोर दैट मेक्स हिम और हर एलिजिबल फॉर अ हायर अमाउंट ऑफ टर्म लोन अप टू ₹20,000। यानी कि अगर कोई वेंडर अपने इंस्टॉलमेंट को टाइम पे भरता है या फिर अपने लोन को जल्दी पे आउट कर देता है, पे बैक कर देता है, तो उससे उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा जिससे कि वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर अ हायर टर्म लोन अप टू ₹20,000। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द स्कीम एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ई, पीएम स्वनिधि। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इनिशियली द वेंडर्स कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल ऑफ लोन ऑफ ₹10,000 अंडर द स्कीम, बट इफ वन रीपेज द इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम और अर्लियर वन कैन राइज क्रेडिट स्कोर दैट मेक्स हिम एलिजिबल फॉर अ हायर अमाउंट ऑफ टर्म लोन अप टू व्हाट एक्सटेंट। सो गाइस, ही कैन इंक्रीज हिज लिमिट बाय ₹10,000 टू ₹20,000। अब उसको कितने रुपए का लोन मिल सकता है, ₹20,000 का लोन मिल सकता है अगर कोई पर्सन अपने लोन को, अपने इंस्टॉलमेंट को टाइम से या फिर जल्दी पे करे। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे, वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम। So, अभी हमने डिस्कस किया दैट दिस स्कीम इज वैलिड अंटिल मार्च 2022 तक इस स्कीम को वैलिड रखा जाएगा। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे, आई होप यू लाइक द सेशन। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।